आज का पहला सवाल क्या दिया है? देखो, एसएससी जीडी 9 फरवरी 2023 के थर्ड शिफ्ट में आया हुआ सवाल है, फोकट का सवाल है। अगर फॉर्मूला याद है तो आपको आंसर आएगा, नहीं तो आंसर आएगा नहीं। आपसे पहले फॉर्मूले याद करा दिए ना। यहाँ पे बात की किसकी? गोलाकार धातु की, मतलब यहाँ पे गोले के बारे में बात की। किसके बारे में? गोले की बात। और गोले की त्रिज्या दी, आंतरिक त्रिज्या कितनी? 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है। अब गोला पूरा हो या आधा हो, त्रिज्या चेंज होती है क्या? नहीं होती है, ठीक है। धातु के गेंद को ना दो बराबर भागों में काटा गया था, एक भाग में पानी भरा हुआ था जबकि दूसरे भाग को खाली रखा गया था, ठीक है। तो पहले वाले भाग में रखे गए पानी का आयतन सेंटीमीटर में 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कितना है? मतलब यहाँ पे गोले का आयतन बोला है। क्या बोला है? गोले का आयतन। तो यहाँ पे आपको पता है अर्ध गोले का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 πr³ बराबर है। यहाँ पे 2/3 रखेंगे, 22/7 रखेंगे, और त्रिज्या कितनी है? 6.3। ठीक है बच्चों, अब इसको कट कर लो जो कट रहा होगा। देखो, 7 9 63, 0.9, 3 × 3, 3 × 3 9, 0.3 बराबर है। अब क्या करना था? गुना करना था। देखो बेटा, यहाँ पे 2 3 6 कर लेंगे, तो मतलब 0.6 × 22 को 11 × 2 कर सकते हो क्या? थोड़ा सा सिंपल करो, कैलकुलेशन में इजी जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 63 का स्क्वायर लिख लो। 63 का स्क्वायर कितना होता है? 3969। कितना होता है? 3969। अब दो अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 6 × 12, इन दोनों का गुना करेंगे तो 6 × 12, तो 12 का गुना डायरेक्ट इनके साथ कर लो। देखो कैसे हमने क्या किया, इनका गुना किया 6 × 12। अब 12 का गुना डायरेक्टली करेंगे, देखो 12 × 9 108, 12 × 9 108 हासिल किए कितने? 10। 12 × 6 72, 72 × 10 82 हासिल किए कितने? 8। 12 × 9 108, 108 और 8 कितने होते हैं? 116 हासिल के। 11, 12 × 3 36 और 11 47, ठीक है बच्चों। पॉइंट कितने अंकों के बाद आ जाए? देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट, मतलब 3 अंकों के बाद पॉइंट आ गया। यहाँ पे गुना में 11 बचा, ठीक है। अब जब इनका गुना करोगे तो बच्चों कैसे हो जाएगा? देखो, इनका गुना करने के लिए पहले 8 लिखे, इन दोनों को जोड़ दो, 8 × 2 = 10 हासिल के 1। हाँ, 11 का गुना क्या होता है बच्चों? ऐड करते चलना है ना। आपको बताया था कि जब 11 का गुना होता है किसी संख्या, तो इस तरफ से ना जोड़ते चलो। कैसे? पहले 8 लिखे, इन दोनों को जोड़ो, 8 × 2 = 10 हासिल का 1। इसको कट करो, इन दोनों को जोड़ो, 6 × 2 = 8 और 1 = 9 हासिल के 1 भी बचे क्या? नहीं। यहाँ पे 6 और 7 = 13 हासिल के कितने? 1। 4 और 7 = 11, 11 और 1 = 12 हासिल का कितना? 1। 4 और 1 = 5, तो 523.908 ये उसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर है, मतलब क्यूब सेंटीमीटर। पहले नंबर का आंसर करेक्ट है बच्चों, ठीक है, लिख लो। जब तक आपको सवाल नहीं समझेगा तब तक आंसर मिलेगा नहीं। सवाल समझो, देखो बेटा यहाँ पे सवाल क्या बोला है, यदि किस ए धनश्री इकड़े भाई, यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण, देखो विकर्ण दिया है, तो सबसे पहले घन का विकर्ण क्या होता है लिख लो। घन का विकर्ण ये बताया था a√3। बच्चों इतना याद है? सिर्फ फॉर्मूला याद रहा तो आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे जो बच्चों दिया है ना, उसने घन का विकर्ण दे दिया है, अंडर रूट के अंदर कितना? 432। तो क्या करना, विकर्ण जो a√3 दिया है, जिसके बराबर दिया उसने 432 बराबर है। अब क्या करना, अंडर रूट के अंदर कितना है? 3 है, यस और नो? तो सबसे पहले क्या करना, ना दिमाग लगाते हुए 3 से इसको डिवाइड कर लेना, बस सिर्फ 3 से डिवाइड करो। तो कैसे हो जाएगा, देखो जब 3 से डिवाइड करोगे, 3 × 3 कितना बचेगा? 1। 3 × 4 = 12, 1 बचेगा, फिर 3 × 4 = 12, 144 × 3 लिख सकते हो क्या इसको? यस और नो? और यहाँ पे क्या है, a√3, ठीक है। तो आगे भी क्या आ जाएगा, a√3
बराबर में 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है, 12 लिख लो, और यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट में 3 बेटा, क्लियर हुआ। अब दोनों साइड क्या कॉमन दिख रहा है? अंडर रूट कॉमन दिख रहा है ना, तो बेटा ये और ये खत्म हो गया, मतलब ए बराबर कितना आ गया आपका 12 आ गया, मतलब साइड कितनी आ गई आपकी 12 आ गई। अब उसने क्या बोला है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, घन का आयतन क्या होता है बता दो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है ना, और ए की साइड कितनी आई है 12, और 12 का घन कितना होता है 17 28, यही आ गया आपका क्यूब सेंटीमीटर है ना, क्यूब सेंटीमीटर 17 28। एक्चुअली यहाँ पे जो पॉइंट नहीं है बेटा वो ये है, ठीक है 17 28 पहला आंसर इसका। देखो बेटा यहाँ पे सवाल में क्या बोला है, ए सुमित बेटा यहाँ पे ध्यान दे, सुमित इकड़े पाए ना यार, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि तीन घन बोला है, क्यूब है ना, तीन बोला है उसने, और प्रत्येक की भुजा कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, वो एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरे के आधार पर एक दूसरे से जोड़े गए हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली क्या बोला है समझ के चलो, एक आपका क्यूब है ना, ये क्यूब दिया गया है, जिसकी ना जो भुजा दी गई वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो उसने क्या बोला आधार पर ना इसी तरीके से ना तीन क्यूब और रखे गए यहां पर, ठीक है, कहीं ना कहीं ये इस तरीके से बन जाएगा। तो यहां पे बच्चों क्या होगा पता है, यहां पे एक क्यूब में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, अब क्यूब देखेंगे तो चारों मतलब जितने भी भुजाएं होती सब बराबर होती है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, लेकिन जब तीन क्यूब को एक में जोड़ोगे ना तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ये सुनो, तो यहाँ पे क्या होगी बच्चे, ये घनाभ बन जाएगा, क्या बन जाएगा घनाभ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो इसकी लंबाई हो जाएगी ना पहले की 5 दूसरे की 5 और तीसरे की 5, मतलब 5 5 और 5 कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, सेंटीमीटर ही दिया ना, ठीक है 15 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई बढ़ेगी क्या इसकी, ये जो रहेगी ये बढ़ने वाली है क्या, नहीं बढ़ेगी है ना, ये जितनी थी उतनी रहेगी 5, और इसकी जो चौड़ाई थी सॉरी जो ऊंचाई थी वो बढ़ेगी क्या, वो भी उतनी ही रहने वाली 5 सेंटीमीटर। अब उसने बोला है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जो क्यूबाइड होता है उसका संपूर्ण वॉल्यूम क्या होता है ये बताओ, आयतन क्या होता है उसका, घनाभ का आयतन वो होता है 2 into LB + BH + HL बराबर है। तो यहां पे क्या करेंगे, 2 गुना में देखो 5 15 का गुना 5 में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी यहां संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता रहा हूं, ठीक है, तो आयतन नहीं ये पृष्ठफल है, हाँ पृष्ठफल, और आयतन क्या होता है LBH होता है, क्या होता है LBH, ठीक है पृष्ठफल ही बोला इसका, और पृष्ठफल LB + BH + HL होता है ना, तो इन दोनों का गुना किए तो 15 5 75 प्लस इन दोनों का गुना करेंगे तो 25 और इनका गुना करेंगे तो 75, ठीक है। अब इनको बच्चा ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा 75 75 150, और 150 में 25 ऐड करेंगे तो 175, और 175 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 350, ठीक है स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 350 ऑप्शन में दिया है क्या कहीं पे, बी 350 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पे ध्यान दो कितना सरल सवाल दिया ये, यहाँ पे क्या बोला है कि क्रमशः 8 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले तीन ठोस घनों को पिघलाकर, और पिघलाकर बोला है तो क्या निकलना है उसका आयतन, ये बताओ घन का आयतन क्या होता है, हाँ देखो यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो घन का आयतन, बातें मत करो, घन का आयतन होता है ए क्यूब बराबर बच्चों, और यहाँ पे कितने घन है 3 घन है, तो तीनों घनों की लंबाई क्रमशः 8 1 और 6 दी है, इनका आयतन निकालना है मतलब इनका घन बनाना है, इतना समझ में आया। घन बनाने के बाद बच्चों क्या करना, उनको मिलाना है, मिलाकर उसने बोला है कि उनको पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, इसका मतलब इनको पिघलाकर पिघलाया गया मतलब घनफल निकाल लिए, और तीनों को जोड़कर एक नया घन बनाया जाता है, इसका मतलब
इनको जोड़ लेंगे। आठ का घन कितना होता है 500 प्लस एक का घन एक और छह का घन 200। जब सबको ऐड करोगे तो 729 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये उन तीनों घनों को पिघलाकर बनाया गया मटेरियल है ये। अब इससे क्या करना है, बड़ा घन बनाना है, नया घन बनाना है। तो आपको पता है जो घन होता है ना, घन का घनफल क्या होता है, एक क्यूब होता है, बराबर है। और एक क्यूब बराबर 729 दिया गया है। यहाँ पर घन है तो इस तरफ क्या जाएगा, घन मूल आ जाएगा। तो a बराबर कितना जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 729, तो जो कि आ जाएगा आपका 9। इतना क्लियर हो बच्चों, ये क्लियर हुआ। अब उसने बोला कि उसका सबसे लंबा विकर्ण है। घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण क्या होता है बताओ जरा। हाँ, घन का विकर्ण वो होता है आपका a अंडर रूट में 3। यहाँ पे ना a की जो साइड दी गई वो कितनी दी गई है, 9। a की वैल्यू कितनी है, तो आपको a की जगह पे सिर्फ 9 रखना था, बस अंडर रूट 3 सेंटीमीटर आ गया। इस सवाल में कोई कैलकुलेशन नहीं था, लेकिन तीन सवाल थे। देखो, पहला सवाल यहाँ पे आया, दूसरा यहाँ पे आया और तीसरा यहाँ पे आया। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल आपको समझ में आना चाहिए बेटा। यहाँ पे ध्यान दो, एक नंबर चार हमको रहे तो है कि नहीं, इकड़े बाहा अरे यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या बोला है, 6 सेंटीमीटर। देखो बेटा, यहाँ पे सवाल ध्यान दो पहले, इसके बाद असलो है ना। वैसे भी किसी ने फ्रिज चालू छोड़ दी है, ठंडी कम नहीं हो रही है, नुस्ता हवा चल रही बाहर। देखो, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन कितना होगा। देखो यहाँ पे बेटा घन बोला है कि नहीं, आप समझ के चलो, घन आपको पता है इस तरीके से रहेगा वो चारों तरफ से। अरे काय हंस रहे भाई, कोई बात नहीं, अरे घर बना रहा था मैं। स्टाइल बहुत, तरीके बहुत है जहां से पहुंच जाए। देखो ये घन है ना बेटा, क्या कर रहे हैं, वाओ घन। देखो अब क्या करना है, इसके अंदर अगर घन बनाएंगे बेटा तो क्या होगा, ये जो भुजाएं रहती है ना, ये मिल जाती है ऐसे बराबर, क्या ऐसा बनेगा वो। काटने के बाद ये कोने आपको तराशने पड़ेंगे चारों तरफ से, बराबर है कि नहीं। इसका मतलब ये आपका देखेंगे तो गोला जो रहेगा ना, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मतलब ये पूरा व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यास। मतलब अगर देखोगे ना, घन की भुजा बराबर होगा गोले का व्यास। क्या होगा, गोले का व्यास, गोले का व्यास है ना। अब देखो इसकी भुजा समझ के चलो, आपकी कितनी दी गई है यहां पर, 6 सेंटीमीटर, और गोले का व्यास दिया गया है डी। अब यहाँ पे सबसे पहले गोले की बात करेंगे तो व्यास तो निकालना नहीं, अपने को त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए, त्रिज्या। आपको पता है त्रिज्या क्या होती है, इसकी आधी होती है, व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पे त्रिज्या देखेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 6/2, तो आर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ। अब त्रिज्या मिल गई है तो गोले का आयतन भी मिल जाएगा। गोले का आयतन क्या होता है बता दो, गोले का आयतन होता है, पाई आर क्यूब, 4/3 भी होता है साथ में बेटा, ये याद नहीं आपको, 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर है। जब इसको सॉल्व करने जाओगे, 4/3 गुना में 22/7 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3, बराबर है। आप इसको कट कर लो, देखो ये 3 से 3 कटा, आप सबका गुना कर लो। देखो 3 × 9 = 9, 9 × 4 = 36, ठीक है। तो कैसे करना भाई बता दो, 22 × 9 = 22 का ना पार्ट है, जान दो, 4 × 22 का गुना 9 में करोगे तो 22 × 9 = 98। अब इनका गुना कर लोगे ना बेटा और उसको 7 से डिवाइड करना है अपने को। ये देखो 4×8 = 32, हासिल के कितने, 3 आ जाएंगे।
ठीक है, चार नम 36 और तीन हासिल के कितने तीन, चार एकम चार और तीन बटे में सात। अब इसको कट कर लो बेटा, देखो सात एकम सात, वापस से सात एकम सात, दो बचेंगे सात त्रिक इक्कीस, एक बचेगा सात एकम सात, तीन बचेगा सात चौक अट्ठाईस, आ गया घन सेंटीमीटर। पहले नंबर का आंसर दिया इसका, तो देख लो इसका त्रिज्या कैसे है, इसका बोलने का मतलब ये समझ के चलो आपका एक वर्ग है, बराबर है, गोला बनेगा तो ऐसे ही तो बनेगा, बराबर है, ये साइड साइड काटेंगे। अब ये जितनी भुजा है उतना भी तो बीच में ही लंबाई होगी, और त्रिज्या इसकी आधी तो होती है ये, आप समझ में आया, ऐसा दिया गया। वो देखो सबसे पहले फॉर्मूले अगर समझ में नहीं आ रहा है, पहले फॉर्मूले याद है क्या आपको, सबसे बड़ी बात ये है, फॉर्मूले याद होगा तो कैसे यूज करना वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखो आज सुबह से, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं हो। देखो देखो सवाल क्या दिया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के अर्धगोला, अब सबसे पहले अर्धगोला यहाँ पे आ गया, ठीक है, अब देखो आगे क्या दिया है सवाल में, पहले अर्धगोला दिया है तो उससे ना क्या करना है, 75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु में ढाला गया है, मतलब यहाँ पे क्या किया है, जो अर्धगोला था उसको पिघलाकर शंकु बनाया गया, और पिघलाया गया तो क्या आ जाएगा उसका आयतन, क्या आएगा आयतन। अब यहाँ पे एक अर्धगोला दिया और एक शंकु दिया है, दोनों का आयतन बोला है तो उसका आयतन निकालेंगे, क्योंकि गोले को पिघलाया है और शंकु बनाया है, बराबर है। तो सबसे पहले एक तरफ दिया गया आपका अर्धगोला और दूसरी तरफ दिया गया है शंकु, ये दो चीजें आपको पता चली सवाल में, ठीक है। अब दो चीजें पता चल गई बेटा, पिघला कर बोल दिया यहाँ पर, तो पिघलाया है तो इसका मतलब सिंपल सा क्या आ जाएगा, आयतन, क्या आ जाएगा आयतन, अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन। अब अर्धगोले से शंकु बनाया गया, इसका मतलब ये क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, आप समझ में आए बच्चों, ठीक है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, दो बटे में तीन पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इतना समझा बच्चों, अब इतना पता चल गया, आप जो जो इन्फॉर्मेशन थी वो डाल दो यहाँ पे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो देखो बेटा यहाँ पे देखो, दोनों तरफ पाई दिया गया, ये कट जाएगा, यस और नो, दोनों तरफ तीन है ये खत्म हो जाएगा, नीचे था दोनों तरफ इसलिए कट गया। अब यहाँ पे बचा दो, ठीक है, और इसकी त्रिज्या दी गई है कितनी, 5 सेंटीमीटर। 5 का घन कितना होता है, 125 लिख लो डायरेक्ट, या फिर चलो लिख लेता हूं, 5 का घन बराबर में यहाँ पे आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्या इसकी पता नहीं है, शंकु की त्रिज्या पता नहीं है, आधार की त्रिज्या ही उसने पूछा है, ठीक है, तो त्रिज्या पता नहीं है, लेकिन हाइट उसने दे दी है 75 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। आप देखो क्या करेंगे, यहां पे अगर देखेंगे तो बटे में ये 125 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2 गुना में 125 और यहाँ पे बटे में कितना आ जाएगा 75, और यहाँ पे दिया है आर स्क्वायर, क्या दिया है आर स्क्वायर। जब इसको कट करोगे तो 25 से कम 25, 25 से 75 और 25 पचे 125, 5 दुने 10, मतलब ये जो R बराबर आ जाएगा ना 10 बटे में 3 का वर्गमूल, क्योंकि इस तरफ वर्ग दिया, इस तरफ क्या आ जाएगा वर्गमूल। अब ये तो ऑप्शन में दिया नहीं है, यस नो, यहाँ पे 10 बटे 3 का आपको वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है वर्गमूल। तो बच्चों क्या करो, सबसे पहले 10 को 3 से डिवाइड कर लो, जब डिवाइड करोगे तो 3 त्रिका 9, एक बचेगा, भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगा देंगे, 3 त्रिका 9, मतलब 3.33 आते रहेगा, यस नो, आएगा कि नहीं। और इसका निकालना है आपको वर्गमूल, 333 के आसपास वर्ग संख्या कौन सी है, 324, कितनी है 324, 324 का वर्गमूल, यहाँ पे 2 अंकों के बाद पॉइंट था तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, त्रिज्या कितनी आ गई,
बेटा यहाँ पे ना पॉइंट में निकालोगे तो और आगे जाएगा पॉइंट तक, लेकिन क्या करना, डिवाइड करने के बाद कौन सी वर्ग संख्या आसपास है वो देखना है, और उसके आसपास अगर आपको ऑप्शन में दिया होगा तो वही आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 1.8 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ सर? 126 ऑप्शन नंबर बी की जगह। चलो देखेंगे, एक मिनट को अपना अपना देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाना है, किसको, गोले को, ठीक है। अब ये बताओ 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु को पिघलाना है, और पिघलाने का मतलब क्या हो गया, आयतन हो गया, तो यहाँ पे गोले का आयतन आ जाएगा, पिघलाना बोले तो आयतन आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, और छोटे छोटे लंब वृत्तीय शंकुओं में डाला जाता है, मतलब क्या होता है, छोटे छोटे जो शंकु आते हैं ना वो बनाए जाते हैं। अब नॉर्मली एग्जांपल कैसा पता है, 1 किलो आटे को गूंथा है और उससे छोटी छोटी रोटियां बनानी है, तो कितनी रोटियां बनेंगी, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है कि कितने शंकु बनेंगे, यहाँ पे संख्या पूछी है शंकुओं की, तो जो संख्या बराबर आ जाएगी वो क्या होगी पता है, गोले का जो भी आयतन होगा, ठीक है, उससे क्या बनाना है अपने को, शंकु बनाना है, ठीक है। तो शंकु बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसके, शंकु के आयतन से, शंकु का आयतन, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बता दो कि इसका गोले का आयतन होता क्या है, 4/3 πr³ बराबर है, और इसके बाद शंकु का आयतन बता दो क्या होता है, 1/3 πr² और क्या होता है, एच होता है, बराबर है। तो कितनी गोलियां बनेगी इससे पता चल जाएगा आपको। अब यहां पे क्या करना है, आपको सिर्फ डिवाइड कर लेना है। देखो सबसे पहले ऊपर नीचे पाई कॉमन दिया गया है, ये खत्म कर लो, ठीक है। इसके बाद ये 3 और 3 खत्म हो जाएगा क्या, खत्म हो जाएगा बेटा, 3 3 भी खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, जो है वो कर लो अभी सॉल्व, यहाँ पे ऐसा बचेगा 4 × r, कितना दिया है, 21, 3 बार लिख लेंगे, बटे में यहाँ पे r दिया है, यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, 7 × 7, और यहाँ पे उसकी ऊंचाई कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर × 3। अब इसको जब कट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, तो कैसे, 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21, अब ये 3 से 3 कट गया, यहाँ पे जो बचेगा 4 × 3 × 21, यहाँ पे 21 × 63 × 4, 4 × 3 = 12, हासिल के 4×6 = 24 और 1 = 25, 252 शंकुओं की संख्या होगी, कितने, 252, समझ आया, चलो करो।